वेलकम बैक टू क्रिकजी। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के। तो UPCA से अगर आप स्टेट खेलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे कैंप्स लगते हैं। आज सनी हमारे साथ हैं जो UP ऑलरेडी खेले हैं, को जो इनसाइडर न्यूज़ है वो सब देने वाले हैं। तो आप अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो सनी, ट्रायल्स कैसे स्टार्ट होते हैं, हम वहाँ से बात करना शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू गुनीत, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ट्रायल्स के बारे में बताने की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी में मेरठ से, तो हम मेरठ से ही ट्रायल का प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। मेरठ में जो है अंडर 14, अंडर 16 और 19 के ट्रायल्स फॉर्म लगभग फरवरी या मार्च के आसपास निकलते हैं, जिनकी फीस नॉर्मली 300 से 500 रुपए के आसपास होती है। उन फॉर्म को आधार कार्ड और अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करते हैं MDCA, मेरठ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या क्या होता है, एक आधार कार्ड और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या, 10th की कोई मार्कशीट वगैरह, कोई मार्कशीट वगैरह वो भी चल जाती है। वो भी चल जाती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एक, अगर मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं तो 2 राउंड हो जाते हैं, वरना मोस्टली 1 राउंड होता है। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस आपको 2 मैचेस मिलते हैं या मैक्सिमम 3 मैचेस मिलते हैं। तो कितने बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं लगभग डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 की बात करें या 16-19, एक एवरेज कितने बच्चे, एक एज ग्रुप के हिसाब से बात करें अंडर 14 के, तो लगभग 100-120 बच्चे डिस्ट्रिक्ट में ले लिए जाते हैं। उनकी 5 या 6 टीमें बनाई जाती हैं, 15-15, 16-16 जनों की, और फिर उनके आपस में मैचेस कराए जाते हैं। मतलब उनमें बैट्समैन बॉल डालेंगे और बैट्समैन बैटिंग करेंगे और बॉलर बॉल डालेंगे। मतलब आपको ऑलराउंडर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, इसलिए अगर आप एक चीज में अच्छे हैं उसी पे फोकस करें, क्योंकि आपके ट्रायल में वही चीज देखी जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर सनी, इंटर डिस्ट्रिक्ट के जैसे मैचेस हुए, उसमें से जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उनके ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स होने के बाद में दोबारा ऐसे मैचेस होते हैं। अच्छा, जो भी उस मैचेस में परफॉर्मर होंगे उन परफॉर्मर को अलग से निकाला जाता है और फिर उनको जोन के लिए बुलाया जाता है। मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस के बाद भी दोबारा से 100 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे? जी। तो मतलब सपोज कीजिए इंटर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, सपोज कीजिए 5 आए, तो लगभग 500 बच्चों के अपने आपस में मैचेस हुए जी, उनमें से जो सिलेक्ट हुए, फिर 100 बच्चे सिलेक्ट हुए जी, फिर अब उनके आपस में मैचेस होंगे जी जोन्स के साथ। जोन्स कौन से होंगे यहाँ पे? जैसे मेरठ का गाजियाबाद के साथ हो गया, मेरठ का मुरादाबाद के साथ हो गया, अच्छा, मेरठ का अलीगढ़ के साथ हो गया। तो इस तरह से मैचेस होते हैं आपस में। ओके, तो इनमें से भी मतलब आपस में मैचेस होके फिर 100 के करीब बच्चे सिलेक्ट होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो बच्चे सिलेक्ट होने के बाद जो उनमें परफॉर्म करेंगे, जो भी परफॉर्मर होते हैं, उन सबको फिर कानपुर भेजा जाता है। कानपुर आपको पता है हमारा हब है क्रिकेट का, वहाँ पे कमला क्लब है, जैसे की UPCA का ऑफिस वहीं पर है जी, और UPCA के सारे ट्रायल्स वहीं पर होते हैं कमला क्लब में। अच्छा जी, तो कमला क्लब में जाने के बाद अलग अलग जोन के बच्चे वहां पर आते हैं। सनी, जब बच्चे कानपुर चले जाते हैं वहां पे क्या प्रोसीजर रहता है? कानपुर जाने के बाद में सिलेक्टर्स देखते हैं बच्चों को, अगर वो थोड़े से ज्यादा हैं तो उनके 3 राउंड ट्रायल्स कराते हैं। अच्छा, 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स में सिलेक्टर्स देखते हैं कि किस बच्चे के कितने बेसिक्स मजबूत हैं, बेसिक्स कितने मजबूत हैं, कैलिबर कैसा बच्चों को, उस हिसाब से वे निकालते हैं और फिर उनको 100 या 120 के आसपास कैंप के लिए बुलाया जाता है। मतलब 3 राउंड होने के बाद 120 के आसपास बच्चे लास्ट में सिलेक्ट होते हैं, उस सभी इतने मैचेस खेलने के बाद। जी जी, तो यानी 2 डिस्ट्रिक्ट के मैचेस आप एवरेज लगा लो, देन 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट, देन 2 जोन्स के मैचेस, यानी आपको लगभग 6 मैचेस तो ये मिल ही गए। देन उसके बाद आप वहाँ पे 3 राउंड वहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी जी, जी। ट्रायल दिया, देन आपने यहाँ पे भी ट्रायल दिए होंगे ऑब्वियसली 3 से 4 राउंड, तो जी, जी, कितना जी। लंबा प्रोसीजर है, तो आप अगर अच्छे हैं तभी वहाँ तक जा सकते हैं जी, तो जी, जी। उसके बाद जो 120 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस है? उनके वहाँ पर आपस में टीम बनाई जाती है और फिर से एक दूसरे की टीमों के साथ मैचेस कराए जाते हैं। अच्छा, और उन मैचेस में जो भी परफॉर्मर होगा वो उन्हें फिर 30 के कैंप के लिए बुलाया जाता है, जो प्रोबल्स कहलाते हैं। 30 मतलब लास्ट में सिलेक्ट होते हैं, 120 में से टॉप परफॉर्मर्स 30 उन सबके BCCI के फॉर्म भराए जाते हैं, जिस भी एज कैटेगरी के वो होंगे, और वो एक तरह से प्रोबल्स में आ जाते हैं। मतलब कि आप मान सकते हैं कि कह सकते हैं कि उनमें से लगभग एक तरह से खेलना तय हो सकता है कि उनमें से कभी भी किसी की भी बुलाया जा सकता है। अगर मान लो कोई बॉलर है, फास्ट बॉलर है, कोई इंजर्ड हो गया और उसकी जगह दूसरा अवेलेबल है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि 30 के अंदर 2 टीमें पूरे तरीके से तैयार रहती हैं, अगर एक टीम में कोई इंजर्ड है या कुछ है तो बैकअप में। जी जी, 30 बच्चे के अंदर अगर आप हो तो आपको BCCI में आप रजिस्टर हो सकते हो। जी जी, 30 बच्चों को वहां पर रोका जाता है और उनका फिर कैंप कराया जाता है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, जो वहाँ पर एक हर एज कैटेगरी के लिए एक अलग से कोच प्रोवाइड करा जाता है,
कोच, फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन वगैरह सब दिए जाते हैं, तो उनकी एक जो भी उस कैटेगरी में कोच होगा वो उनको अपनी तरह से मैनेज करेगा, उनको अपनी तरह से ट्रेनिंग देगा, अपनी डाइट बताएगा और उनको आगे का प्रोसेस बताएगा कि आपको इतना फिट रहना है, आपके जब भी मैचेस होंगे आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब अब आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया तो अब आप आगे अपने आप बढ़ जाओगे क्योंकि आपको उस लेवल के कोचेस मिल जाते हैं जी। तो सनी, ये तो आपने हमें बता दिया कि ट्रायल्स का प्रोसीजर क्या है। सनी, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने आज तक ट्रायल नहीं दिया या जो लोग अकेडमी भी नहीं गए, क्या वो बच्चे ट्रायल दे सकते हैं जो कहीं पर प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या उन्हें ट्रायल देना चाहिए? ट्रायल के क्या फ़ायदे हैं, आप कुछ बताओगे उस बारे में? जी, मेरे हिसाब से ट्रायल्स जो भी क्रिकेट खेल रहा है उसे हर बच्चे को ट्रायल देना चाहिए, चाहे वो घर पे भी खेल रहा हो। क्यों? क्योंकि उससे अपना कैलिबर पता चलता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गली वगैरह में, कॉलोनी वगैरह में खेलते रहते हैं, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। पीके भाई कितने टैलेंटेड थे। तो जैसे गली वगैरह में जो भी खेलते रहते हैं उन्हें भी ट्रायल देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम कहाँ स्टैंडर्ड करते हैं, कि हम कितनी मेहनत की जरूरत है, अगले साल अगर हम खेलना चाहते हैं तो अगले साल हम कितना इम्प्रूव करें, ताकि हम उन बच्चों को बीट कर सकें जो पहले से खेल रहे हैं। सनी, जो लोग अभी तक जिन्होंने ट्रायल नहीं दिया वो लोग तो अपने इतना लंबा प्रोसेस बता दिया, ऑब्वियसली डर जाएंगे यार बच्चे की इतना लंबा प्रोसेस है, ट्रायल है, मैचेस हैं, एक बच्चा क्या कुछ सहेगा, तो आप उनको थोड़ा इस बात का भी बारे में बताओ कि इतना टफ नहीं है, जब साथ के साथ होता है तो पता नहीं चलता कि कब वो सारा समय गुजर जाता है, अब एक बार उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। नहीं, अगर आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हम क्रिकेट रहे हैं तो हम क्रिकेट की बात करेंगे, तो आप अगर रेगुलर हैं और एक साल से कंटिन्यू खेल रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप एक दिन सक्सेस हो ही जाएंगे। धीरे धीरे प्रोसेस में लगे रहिए और आप अच्छा करेंगे, अचीव जरूर करेंगे। कंसिस्टेंसी की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की सक्सेस। तो आपने हमें इस बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया। सनी, आप बताइए कि जो कैंप्स वहाँ पे लगते हैं, जो बच्चे अगर कैंप तक पहुँचने का उन्हें लग रहा है कि वो इस साल कैंप कर लेंगे, उसके लिए उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिटनेस से रिलेटेड या उनकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, एक बार उसके बारे में और बता दीजिए। जो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि हम इस साल खेल सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिटनेस और प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें इंजरी से सबसे ज़्यादा बचना है, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि मान लो अगर कोई अच्छा बच्चा है उसे लगता है कि मैं इस साल खेल सकता हूँ, फास्ट बॉलर, मोस्टली फास्ट बॉलर को सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, लोअर बैक की इंजरी हो गई, हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई, शोल्डर की इंजरी हो गई, फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा इंजर्ड होगा, आप सबने देखा होगा ज़्यादातर। तो सनी, ये बताइए जो बच्चे ट्रायल दे रहे हैं, सेलेक्टर्स को कैसे खुश करेंगे? वो सेलेक्टर्स को खुश करने का बस एक ही तरीका, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप में टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और आप मेरिट पे खेलना आना चाहिए, ये तीन इम्पोर्टेंट की हैं क्रिकेट की। तो पहली चीज़ आपने बताई बेसिक्स, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो एक वो एक्स्ट्रा दिखाई देते हो आप बाकी भीड़ से कि कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर है। दूसरी चीज़ आपने बताई टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो, एक ट्रायल में क्या होगा टेम्परामेंट? एक तरह से देखा जाता है कि अगर मान लो आप डेज मैच खेल रहे हैं, आपके तीन आउट हो गए हैं, तो आपको ये नहीं कि आप हिटर बैट्समैनर जाके आप हिटे मारने लग जाएंगे, ठीक है, आपको मैच की कंडीशन के अनुसार खेलना चाहिए। तो ये टेम्परामेंट वाली बात हो गई, अगर आपको लगता है कि अब लास्ट के छः ओवर बचे हुए हैं और मुझे हिटिंग की जरूरत है, तो मैं वहाँ पर हिटिंग भी कर सकूँ, बैट्समैन को मैच की कंडीशन के अनुसार खेलना आना चाहिए। तो ये हो गया टेम्परामेंट। थर्ड चीज़ आपने बताई मेरिट। जी, मेरिट क्या होगा, एक बार आप बच्चों को बता दीजिए। मेरिट का मतलब ये हो गया कि वो आपको बॉल टू बॉल फोकस करना है, आपको आउट स्विंग आ रही तो आउट स्विंग के हिसाब से खेलना है, इन स्विंग आ रही तो इन स्विंग के हिसाब से खेलना है, बैक फुट का बॉल है तो बैक फुट पे खेलना है, फ्रंट फुट का बॉल है तो फ्रंट फुट पे खेलना है। मतलब एक प्री माइंडेड शॉट्स नहीं खेलना है। जी, आपने ये नहीं सोचना कि इस बॉल पे मुझे छक्का मारना है। जी, जो मेरिट पे है वो खेलना है, क्योंकि आप डेज क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हो रहे हो। जी जी, और डेज का मतलब है मेरिट पे खेलना, बेसिक्स के साथ टेम्परामेंट। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बताया सनी ने, ये आप तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली खेल जाओगे। अब सनी, एक बात करते हैं कि बहुत बच्चे ये सोचते होंगे कि यार बहुत सोर्स चल रही है या फिर पैसों का खेल रह गया है क्रिकेट, आप इन सबको कैसे गलत प्रूफ करोगे? देखिए, अपवाद हर जगह हैं, आप बिना सोर्स सिफारिश के खेलें, मैं बिना सोर्स सिफारिश के खेला हूँ, तो ये हम तो ये नहीं कहेंगे कि हर कोई खेलता है, तो सीधी सी बात है। और हमारे जितने भी दोस्त जितने हैं, दोस्त हैं सभी ऐसे खेले हैं, तो इस वजह से हर जगह भाई एक दो होंगे तो उनकी आप तुलना अपने से थोड़ी ना करेंगे। आप 15 में 5 मान लो होंगे, 5 होंगे, 10 तो नेचुरल खेलते हैं, 10 तो अच्छे लोग हैं। और देखिए, कोई भी सोर्स सिफारिश वाला इंडिया नहीं खेल सकता। बिल्कुल ठीक बात है, खेलेगा भी तो एक मैच खेलेगा, तो आपको अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, अपने आप को मजबूत करना है, डे बाय डे निखारना है,
और बस तैयार इंडिया के लिए खेलना। एक बात मैं बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ, जब आप भी आए थे एकेडमी, आपको भी कोई नहीं जानता था क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी नहीं आए ग्राउंड पे, ना मेरे आए, लेकिन हम अच्छे थे तो हमें किसी ना किसी हमारे सीनियर ने सपोर्ट कर दिया। मुझे पीके भाई ने किया, आपको किसी और ने किया होगा, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला जरूर मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल, अगर आप अच्छे हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर मिलेगा। आपके कोच का मिलेगा, आपको किसी सीनियर का मिलेगा, आपको किसी चाहे दूसरे एकेडमी के कोच ही सपोर्ट कर दे, आपको कोई सिलेक्टर लाइक कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं आपके साथ गलत होगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको इस साल नहीं अगले साल होगा, उससे अगले साल होगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा जरूर। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना, चाहे कुछ भी हो जाए क्रिकेटर के लिए, इतने सारे लोग एक साथ खेल रहे हैं और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि आधे लोग तो नेगेटिव होते हैं, और ट्रायल्स पे जाओ ना तो अकेले रुको, चाहे आपका खर्चा ज्यादा हो बट अकेले रुको, क्योंकि अगर आप किसी के साथ रुकोगे वहाँ लोग इतनी नेगेटिव एनर्जीज देते हैं कि माहौल बड़ा खराब हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचो, अपना रहो, मजे की लाइफ जियो, पॉजिटिव रहो, ग्राउंड पे जाके कॉन्फिडेंस के साथ खेलो। यार आपने पूरे साल मेहनत करी है, मेहनत की है, और अगर आप ऐसी मेहनत करते रहोगे तो फल तो मिलना तय है। सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। तो थैंक यू सनी, बहुत ही अमेजिंग वीडियो के लिए। जो भी व्यूअर इस वीडियो को देखेगा, आई गारंटी उसको कुछ ना कुछ नॉलेज तो इस वीडियो से मिल जाएगी। तो थैंक यू सनी, एक बार यार बोल दो प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए, शायद आपकी बात सुन ले। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्रिक कुनीत को। थैंक यू सनी, थैंक यू।